हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? चलें, गेट 2023 की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है और आज हम इस वीडियो में गेट 2023 में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन देखेंगे। चार क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, इन चारों के सॉल्यूशंस हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 15th क्वेश्चन से। 15th क्वेश्चन गिवन है, लेट डी इज इक्वल टू ओपन यूनिट डिस्क और फंक्शन डिफाइन है ऑन डी और ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। एफ हैज थ्री जीरोज काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी इन डी, ओके। क्यू स्टेटमेंट बोलता है एफ हैज वन जीरो इन यू। यू क्या गिवन है? जेड एलिमेंट ऑफ सी सच दैट मॉड ऑफ जेड इज स्ट्रिक्टली लेस देन वन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन ओवर टू, ठीक है। तो जीरोज के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज के बारे में पूछ रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऑब्वियसली किस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा? रॉचेस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चले तो इसका यूज करते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है रॉचेस थ्योरम का? चले तो स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन हैं, एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड। दो एफ ऑफ जेड नहीं लेते हैं, एच ऑफ जेड लेते हैं, ठीक है, एच ऑफ जेड, क्योंकि एफ ऑफ जेड हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं एच ऑफ जेड दे रहा हूँ। एच ऑफ जेड प्लस एंड जी ऑफ जेड आर होलोमॉर्फिक फंक्शंस, होलोमॉर्फिक फंक्शंस, और ये होलोमॉर्फिक हैं ऑन सी। सी क्या है? सी इज सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर, सी इज अ सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर, ऑन सी एंड विद इन सी, एंड विद इन सी। सी के विद इन भी एनालिटिक है या होलोमॉर्फिक है और ऑन सी भी है ना, विद इन सी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी ऑफ जेड, मॉड ऑफ जी ऑफ जेड ऑन सी, ऑन सी, ठीक है। सी पर मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की वैल्यू मॉड ऑफ जी ऑफ जेड से ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से आप इम्प्लाई कर सकते हो कि एफ ऑफ जेड एंड, सॉरी यहाँ पे एच ऑफ जेड लिखना था मुझे, सॉरी सॉरी एच ऑफ जेड, बार बार क्या है कि एफ ऑफ जेड के टर्म्स में मुझे याद है इसलिए। तो एच ऑफ जेड एंड एच ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, एच ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड हैज सेम नंबर ऑफ जीरोज, हैज सेम नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज मतलब काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, सेम नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड, इनसाइड सी, सी के अंदर, ठीक है, इन इंटीरियर ऑफ सी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम, एफ हैज थ्री जीरोज इन डी, पी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चले सबसे पहले एफ ऑफ जेड लिख लेते हैं। एफ ऑफ जेड गिवन है जेड माइनस 25z³, थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन है, ठीक है, प्लस जेड की पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5, माइनस जेड की पावर 7 ओवर फैक्टोरियल 7, प्लस जेड की पावर 9 ओवर फैक्टोरियल 9। आप सभी लोग याद कर लें इस पूरे एक्सप्रेशन को, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ W, ठीक है, क्योंकि लेंथी एक्सप्रेशन है, बार बार लिखना पड़ेगा। चले तो ये हमारा हो गया जेड माइनस 25z³ प्लस WZ, ऐसा कुछ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है सच दैट दो फंक्शंस में मैं इसको स्प्लिट करूंगा, एक को बोलूंगा एच ऑफ जेड और दूसरे को बोलूंगा जी ऑफ जेड, ठीक है। और इस तरह से स्प्लिट करना है मुझे सच दैट मॉड ऑफ जी ऑफ जेड अपॉन एच ऑफ जेड, मॉड ऑफ जी ऑफ जेड अपॉन एच ऑफ जेड स्ट्रिक्टली लेस देन वन है ऑन सी। और सी यहां पर पहले स्टेटमेंट के लिए सी आपका क्या हो जाएगा, मॉड जेड इज इक्वल टू वन, मॉड जेड इज इक्वल टू वन, क्योंकि मॉड जेड लेस देन वन की बात हो रही है, तो बाउंड्री क्या हो जाएगी इसकी, मॉड जेड इज इक्वल टू वन, ठीक है। और सिंस ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऑब्वियसली मॉड जेड इज इक्वल टू वन पे भी एनालिटिक होगा, ठीक है। तो रॉचेस थ्योरम को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलें, सी हम ले रहे हैं मॉड जेड इज इक्वल टू वन, इसके लिए हम एच ऑफ जेड को कैसे चूज करें, क्वेश्चन ही आता है एच ऑफ जेड को और जी ऑफ जेड को, ठीक है। इसको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना है अपन को, एफ ऑफ जेड को स्प्लिट करना है, तो दो हिस्सों में इसको बांटना है। मैं जानबूझ के जो नीचे वाला हिस्सा है मतलब एच ऑफ जेड जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको ले रहा हूँ माइनस का 25z³, ठीक है। आप देखना क्यों ऐसा मैं ले रहा हूं, और जी ऑफ जेड ऑब्वियसली बाकी का बचा तो हो जाएगा जेड प्लस WZ हो जाएगा। चले यहाँ पे पुट करके देखते हैं,
तो न्यूमरेटर में जी ऑफ जेड, डिनोमिनेटर में एच ऑफ जेड, और हमें क्या चाहिए सच दैट मॉड जेड इज इक्वल टू वन। अगर मैं ये कंडीशन को अप्लाई करूं तो मुझे ये जो मॉड की वैल्यू लेस देन वन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस मॉड की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, मॉड ऑफ न्यूमरेटर में आ जाएगा जेड प्लस डब्ल्यू जेड, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -25z³। लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मॉड जेड हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ डब्ल्यू जेड। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मॉड को, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 25 mod z³। अच्छा यहाँ पे मैं इसको भी, इसमें भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करूंगा इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये बेसिकली बन जाएगा आपका, पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे मैं मॉड जेड समझने के लिए, मॉड जेड की पावर 5/(5)। इसको ऐसा लिखता हूँ मैं, मॉड जेड की पावर 5/(5) प्लस मॉड जेड की पावर 7/(7)। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करके जो डब्ल्यू जेड है, डब्ल्यू जेड आपका क्या एक्सप्रेशन था, ये था, ठीक है। तो अगर जब मैं इसमें मॉड लगाऊंगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन में मॉड लगेगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से मॉड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इनइक्वालिटी का साइन लगा देंगे, ठीक है। चले तो ये हो जाएगा मॉड जेड की पावर 9, और पावर को हम बाहर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉड जेड की पावर 11/(11) डिवाइडेड बाय 25, इस पूरे के डिवाइड में आएगा 25 mod z³। चले मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। जब मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मॉड ऑफ जी ऑफ जेड अपॉन एच ऑफ जेड शुड बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/(5) प्लस 1/(7) प्लस एंड सो ऑन 1/(11) डिवाइडेड बाय 25। और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो पूरा जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, जो भी ये नंबर बनेगा, इसकी वैल्यू 25 से कम होगी। दैट शुड बी लेस देन 1, दैट शुड बी लेस देन 1। इसकी वैल्यू 25 से कम होगी तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपको बाय अप्लाइंग रॉचिस थ्योरम आप बोल सकते हो कि जितने जीरोज एच ऑफ जेड के पास होंगे इनसाइड इनसाइड मॉड जेड इज इक्वल टू 1 या इन मॉड जेड लेस देन 1, इस रीजन में जितने जीरोज इसके पास होंगे उतने ही जीरोज होंगे एच ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के पास। और सिंस हमने एफ ऑफ जेड को इस तरह से स्प्लिट किया था तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जेड, ठीक है। और हमें एफ ऑफ जेड के ही तो जीरोज निकालने हैं, ठीक है। तो एच ऑफ जेड के जीरोज कितने हो जाएंगे देख लें, एच ऑफ जेड हमारा क्या था 25z³, तो इसके पास 3 जीरोज होंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड के पास भी 3 जीरोज होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट पी इज करेक्ट, स्टेटमेंट पी इज करेक्ट। वट अबाउट स्टेटमेंट क्यू, स्टेटमेंट क्यू क्या बोल रहा है कि एफ हैज 1 0 इन यू इज इक्वल टू दिस रीजन, ठीक है। इस रीजन को बनाते हैं सबसे पहले, इस रीजन को बनाते हैं, कहाँ पे थे अपन, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। चल एफ ऑफ जेड को मैं फिर से लिख देता हूँ जेड -25z³ प्लस डब्ल्यू जेड, ऐसा, ठीक है। चले अब हमें क्या करना है, मैं रीजन जो गिवन है मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, और ये दो जो कर्व्स है ना इन दोनों के बीच जो रीजन बाउंड होता है वो स्टेटमेंट क्यू में गिवन है, और बोल रहे हैं कि एफ ऑफ जेड के पास 1 0 होगा इस रीजन में। हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब मॉड जेड इज इक्वल टू 1 लेंगे, हम ये वाला रीजन लेंगे बड़े वाले सर्कल के अंदर वाला जो रीजन लेंगे, उसमें इसके पास 3 नंबर ऑफ जीरोज हैं, 3 नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं क्या करता हूँ, मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2 के अंदर वाला ये जो रीजन है इसको मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, ठीक है। यहां पर हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इस रीजन में ये जो मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2 और मॉड जेड इज इक्वल टू 1 से जो बाउंड होता है रीजन, उसमें 1 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट क्यू ट्रू होता है तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2 के अंदर इस फंक्शन के कितने जीरोज लाए करेंगे, 2 जीरोज लाए करेंगे, 2 जीरोज लाए करेंगे। और मेरा क्लेम ये है कि 2 जीरोज लाए नहीं करेंगे, मेरा क्लेम ये है कि इसमें 3 नंबर ऑफ जीरोज लाए करेंगे। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट क्यू इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे इस क्लेम को प्रूव कर सकते हैं, बाय यूजिंग रॉचिस थ्योरम ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरा क्लेम ये है कि मॉड जेड, अगर मैं सी को मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2 ले लेता हूं तो मुझे नंबर ऑफ जीरोस इस सिंपल क्लोज कंटूर के अंदर मिलेंगे, वो मिलेंगे इस फंक्शन के, वो मिलेंगे 3,
ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बाय यूजिंग द सेम एच ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड। ठीक है, तो जी ऑफ जेड और एच ऑफ जेड दोनों की चॉइसेस सेम टू सेम रहेंगी। ठीक है, तो जी ऑफ जेड हो जाएगा आपका जेड प्लस डब्ल्यू जेड, और ये हो जाएगा माइनस का 25 ZQ। अब आप क्या करेंगे, मॉड जेड इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करके देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, मॉड जेड प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन क्या था, मॉड जेड की पावर 5/5, मॉड जेड की पावर 7/7, मॉड जेड की पावर 9/9, मॉड जेड की पावर 11/11। ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 मॉड जेड की पावर 3। ठीक है, अब मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2 पुट कर दो, आपको जो डिनोमिनेटर में नंबर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 25 इंटू यहाँ पे 1/2 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 24, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो डिनोमिनेटर में 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आप देख सकते हैं क्लियरली जो ऊपर वाली क्वांटिटी होगी वो 3 से बड़ी नहीं होगी, होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप 1/2 यहाँ पे पुट करोगे तो ये देखो ये नंबर क्या बनेगा, 1/5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक है, फिर उसमें फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है, तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाने वाली है। इसी तरह से ये क्वांटिटी और छोटी, ये क्वांटिटी और छोटी, ये क्वांटिटी और छोटी। ठीक है, इवन अगर आप यहाँ पे 1/2 भी पुट करते हो इन चारों की जगह, तो 1/2, 1/2, 1, 1/2, 1/2, 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1/2, तब भी ये 3 से बड़ा नहीं होने वाला। ठीक है, और आपको पता है ये क्वांटिटीज 1/2 से तो छोटी ही होंगी। इसका मतलब ये है कि जो न्यूमिरेटर में क्वांटिटी आ रही है वो 3 से छोटी है। ठीक है, और ये 3 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी है ना उससे भी छोटी होगी। इसका मतलब है कि ये लेस देन 1 होगा, और बाय यूजिंग रॉचिस थ्योरम आप बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जेड के पास जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इन साइड दिस सिंपल क्लोज कॉन्टूर वो भी 3 होंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, पी करेक्ट हो जाएगा और क्यू आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। P करेक्ट है और Q इनकरेक्ट है। P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, A इज करेक्ट। चले आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे भी ओपन यूनिट डिस्क दी है और फंक्शन एनालिटिक डिफाइंड किया गया है डी पर। ठीक है, और पावर सीरीज के फॉर्म में ये गिवन है। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 0 to infinity ए एन जेड टू द पावर एन। ठीक है, और ये फंक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड, यहाँ पे ए नॉट और ए वन की वैल्यू क्या दी है, 1 गिवन है, तो ये हो जाएगा 1 + z+। ठीक है, और फिर एन इज इक्वल टू 2 और उससे ग्रेटर देन वैल्यू के लिए हमें ए एन इस तरह से डिफाइन किया गया है, तो उसको मैं ऐसा लिखता हूँ एन इज इक्वल टू 2 to infinity, और अगर आप देखें तो उसको मैं लिख सकता हूँ जेड अपॉन 2 की पावर n। क्या ऐसा लिख सकता हूँ, सभी लोग चेक कर लीजिए, पॉज करिए और देखिए क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड को आप ऐसा लिख सकते हो। चले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इफ जेड नॉट इज द एलिमेंट ऑफ डी, इफ जेड नॉट बिलोंग्स टू डी, देन एफ इज 1 1 इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ ई इज इक्वल टू दिस सेट, जेड एलिमेंट ऑफ सी मॉड जेड इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, देन एफ ऑफ ई इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ सी। अगर आप देखें ना, क्यू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे है, इसके लिए हम कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे, अच्छा ये चीज तो हमें पता है कि एफ एनालिटिक है, एफ इज एनालिटिक, या होलोमॉर्फिक, तो इससे आप बोल सकते हो है ना एन डी, इससे आप बोल सकते हो एफ इज कॉन्टिन्यूस, इन डी या ऑन डी लिखते हैं तो बेहतर रहेगा, ऑन डी। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस है, आपको पता है एक थ्योरम कि कॉम्पैक्ट, ऐसा लिखना चाहिए, कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, और आपको पता है ई यहां पे जो गिवन है वो कॉम्पैक्ट सेट है, कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, एफ ऑफ ई कॉम्पैक्ट हुआ तो वो क्लोज्ड भी हो जाएगा, स्टेटमेंट क्यू इज ट्रू। नाउ व्हाट अबाउट स्टेटमेंट पी, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, कैसे चेक करेंगे, क्योंकि 1 1 s को चेक करना है और नेबरहुड में चेक करना है, जेड नॉट की। ठीक है, इसके लिए भी हम एक थ्योरम का यूज करेंगे, थ्योरम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग वेरीफाई कर लेना। ठीक है,
इफ एफ इज एनालिटिक ऑन डी, ये आपका डोमेन है, एंड फॉर सम जेड नॉट एलिमेंट ऑफ डी, एफ डैश ऑफ जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इंप्लाई करेगा देर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, नेबरहुड को मैं ऐसा लिखता हूं बी, है ना, बॉल, डेल्टा बॉल, देर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, और ऐसा लिखना चाहिए देर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, अच्छे से लिखते हैं ना, देर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ जेड इज वन वन फॉर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो जेड नॉट के अराउंड एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करेगा डेल्टा रेडियस का जिसके हर पॉइंट पर या जिस पूरे के पूरे डोमेन पर एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, एफ ऑफ जेड वन वन हो जाएगा। ठीक है, लोकल इंजेक्टिविटी बोलते हैं इसको, लोकल इंजेक्टिविटी। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, सीधी सादी चीज ये चेक करना है कि क्या डेरिवेटिव जीरो होता है, क्या डेरिवेटिव जीरो होता है इस फंक्शन का इन ओपन यूनिट डिस्क, सिर्फ हमें ये चेक करना है। चले, तो फंक्शन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इस फंक्शन को और अच्छे से लिखते हैं जरा, इसको मैं नीचे कॉपी करता हूं। चले, अच्छा यहां पे देखो जरा, इसको इस सीरीज को लिखते हैं, इसको मैं आर मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, z अपॉन 2 की पावर 2 को r मान लेता हूं और सीरीज को लिखता हूं इस सीरीज को। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहली टर्म क्या हो जाएगी, r की पावर 2, फिर हो जाएगा r की पावर 3, फिर हो जाएगी r की पावर 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ पे आर पुट कर देते हैं तो आपका एफ ऑफ जेड का मास्टर रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, मास्टर रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। मास्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आर की जगह जेड अपॉन 2 स्क्वायर पुट कर देते हैं यहां पर, स्क्वायर 1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर 2। ठीक है, इसको मिटा देता हूं 1 मिनट। चले, इसको और अच्छे से लिखते हैं 1 प्लस जेड प्लस, अच्छा यहां पे 2 की पावर 2 है, उसकी पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 4 हो जाएगा, और यहां पे 2 की पावर 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आ जाएगा 1 अपॉन 4। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर में यहाँ पे जेड स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस जेड बचेगा। ठीक है, ये आपको मास्टर रिप्रेजेंटेशन मिल गया एफ ऑफ जेड का। अब हमें ये चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव जीरो होता है किसी भी पॉइंट पर, एक भी पॉइंट मिल गया ना तो स्टेटमेंट पी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन, और इसका डेरिवेटिव तो 1/4 वैसा का वैसा, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमिनेटर वैसा का वैसा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे निकालते हैं। चले, इसको सॉल्व कर लेते जल्दी से, ये हो जाएगा 8z माइनस का 2z स्क्वायर और ये प्लस का z स्क्वायर, तो माइनस का z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको और अच्छे से लिखते हैं जरा, z को कॉमन ले लेते हैं, 8 माइनस z, 4 माइनस z का होल स्क्वायर। ठीक है, चले अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है वो जीरो होता है कि नहीं होता है फॉर मॉड z लेस देन 1, किसी भी पॉइंट पर होता है कि नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो स्टेटमेंट पी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली जीरो के बराबर पुट कर देते हैं और यहां से निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो जीरो के बराबर पुट किया मैंने यहां पर -1 और 4 यहां चला जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन भी यहां चला जाएगा, तो आपको मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन निकालने का कोई मतलब नहीं रहा। चले, तो माइनस का 4, 4 माइनस जेड, 4 माइनस जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8। ठीक है, इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं और ये आपका क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 4z स्क्वायर आ जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, तो 3z, ये हो जाएगा 3z स्क्वायर। ठीक है, ये 8z है और यहाँ पे हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस का यहाँ के माइनस का 32 प्लस का 8 माइनस का 24z, और फिर हो जाएगा
64, और यहाँ पे आ प्लस का 64 इज इक्वल टू जीरो। चले सॉल्यूशन निकालना है अपन को इसका। एक काम करते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे तो माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो भी एक्सप्रेशन आ जाएगा ठीक है, डिवाइडेड बाय टू ए, तो सिक्स हो जाएगा ठीक है। अब जरा ये देखो, आपको ये सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, यहां से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जब आप सिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको पहली टर्म मिलेगी प्लस फोर है ना, और प्लस माइनस यहाँ पे आई है ना, आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको मिलेगा नेगेटिव एक्सप्रेशन ठीक है। तो आई तो आ जाएगा, इसको अल्फा मान लेते हैं कुछ भी है ठीक है। अब जरा आप देखो इन सॉल्यूशन की बात करो तो आप ये सॉल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू फोर वाली लाइन होगी, एक्स इज इक्वल टू फोर वाली लाइन होगी, इस पे लाए करेंगे, और आपकी डिस्क कहाँ पर है, यहाँ पे कहीं है डिस्क। तो इस डिस्क पे डेरिवेटिव इसका जीरो नहीं होगा। इस लाइन पे दो पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे इस तरह से जहां पर इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, अदरवाइज कहीं भी जीरो नहीं होगा ठीक है। सॉरी, तो स्टेटमेंट पी करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट पी इज करेक्ट ठीक है। स्टेटमेंट पी भी करेक्ट है, स्टेटमेंट क्यू भी करेक्ट है, तो ए करेक्ट हो जाएगा इसका और बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर है इसका ए एंड बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th। 27th क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एक एनालिटिक फंक्शन दिया है जेड अपॉन वन माइनस जेड माइनस जेड स्क्वायर ठीक है, और इसकी पावर सीरीज दी है समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन, ए एन एलिमेंट ऑफ आर है। फॉर ऑल जेड इन सम नेबरहुड ऑफ जीरो इन सी, तो जीरो के नेबरहुड में पावर सीरीज को ओपन किया है, या टेलर सीरीज बोल सकते हैं। तो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ ए सिक्स प्लस ए फाइव, बेसिकली हमें क्या निकालना है, जेड टू द पावर सिक्स और जेड टू द पावर फाइव के कॉफिशियंट्स निकालना है, उनको जोड़ देना है ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तो नहीं था बट हाँ अंडरस्टूड था कि क्या करना है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है इन सॉल्यूशन। तो जेड अपॉन वन माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा आपको एक फंक्शन दिया है, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर ठीक है। और यहां से मैं लिख सकता हूं, सिंस मुझे पता है, जैसे अगर मेरे मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन मिले तो मैं इसको पावर सीरीज के फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे यू मान लो जेड प्लस जेड स्क्वायर है ठीक है, जेड वैसा का वैसा है, और यहाँ पे क्योंकि ये इसको हम ऐसा कर लिखें ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, वन प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ यहाँ पे, वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस ठीक है, ये यू फिर यू स्क्वायर करना है तो जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर टू एंड सो ऑन ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में हमें जेड टू द पावर फाइव चाहिए और जेड टू द पावर सिक्स चाहिए, क्योंकि जेड का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें जेड की पावर फोर ढूंढते हैं और जेड की पावर फाइव ढूंढते हैं ठीक है, क्योंकि जेड की मल्टीप्लाई करोगे तो जेड की पावर फोर क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, और जेड की पावर फाइव क्या हो जाएगा, जेड की पावर सिक्स हो जाएगा ठीक है। तो इनके कॉफिशेंट ढूंढना है हमें, तो हमारा टारगेट ये है कि इस एक्सप्रेशन में, इस पावर सीरीज में जेड की पावर फोर और जेड की पावर फाइव के कॉफिशेंट्स क्या होंगे, उन कॉफिशेंट्स को हम जोड़ देंगे ठीक है। चले देखते हैं, तो यहां से तो आपको जेड की पावर फोर कुछ नहीं मिलेगा, यहां से मिल जाएगा जेड की पावर फोर मिल जाएगा, और एक ही टर्म में होगा जेड की पावर फोर, जेड की पावर फाइव नहीं होगा इसमें ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन करोगे जेड प्लस जेड की पावर टू की पावर टू, तो जेड स्क्वायर मिलेगा आपको, जेड की पावर फोर मिलेगा प्लस टू जेड क्यूब मिलेगा। ये तो आपको चाहिए नहीं है, ये आपको चाहिए नहीं है, सिर्फ आपको ये चाहिए ठीक है। यहां से आपको कॉफिशियंट वन मिल गया, फिर आप देखेंगे जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर थ्री, पावर थ्री करेंगे, इसको क्या करें, इसके लिए क्या करें, अपन एक काम करते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज करते हैं। तो थ्री सी जीरो जेड की पावर थ्री और इसकी पावर जीरो ठीक है, प्लस थ्री सी वन, इसकी पावर कम होगी एक तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर बढ़ जाएगी मतलब एक हो जाएगी तो जेड की पावर टू, यहाँ पे आपको मिल गया एक जेड की पावर फोर। फिर थ्री सी टू जेड की पावर वन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा जेड की पावर टू की पावर टू, तो फोर हो जाएगा ठीक है, तो जेड की पावर फाइव मिल गया। अब नेक्स्ट जो हो जाएगा वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जेड की पावर क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, और वो हमारे काम का नहीं है ठीक है। तो ये काम का नहीं है, क्या ये काम का है, बिल्कुल ये काम का है ठीक है। एक काम करता हूँ मैं अलग से, चलो इन पे गोला लगा देता हूँ ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ,
इन पे गोला लगा लेते हैं अपन, जो जो कॉफिशियंट हमें चाहिए उन पे गोला लगा लेते हैं, ठीक है। और यहां पे भी इसको मैं हटा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब हम देखेंगे जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। तो 4c0 जेड की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 4c1 जेड की पावर अब 3 हो जाएगा, और जेड की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 4c2 जेड की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जेड की पावर 4 हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। फिर नेक्स्ट वाला टर्म 4c3, ये किसी काम का है, बिल्कुल ये काम का है। फिर क्या होगा, 4c3 जेड टाइम जेड की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी किसी काम का नहीं है। अगली वाली टर्म भी किसी काम की नहीं है, ये काम का है और ये काम का है, ठीक है। अब हम करते हैं जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3, सॉरी पावर 5, तो आपको मिल जाएगा 5c0 जेड की पावर 5, फिर 5c1 जेड की पावर 4 टाइम जेड स्क्वायर, ये भी किसी काम का नहीं है, और आगे वाली टर्म भी किसी काम की नहीं है, सिर्फ ये काम का है। चलो तो जेड की पावर 4 के कॉफिशियंट देख लेते हैं। यहां से 1 आया, ठीक है, यहां से 1 आया, फिर 3c1 आया, तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और चले तो ये 4 हो गया, ये क्या, जेड की पावर 4 के कॉफिशियंट्स का सम है, ठीक है। अब जेड की पावर 5 देख लेते हैं। जेड की पावर 5 आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 3c2, 3c2, तो 3 × 2 / 2 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3c2, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जेड की पावर 5 मिल रहा है, 4c1, 4c1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, जो कि हो जाएगा 5, 5c0 क्या हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, सॉरी 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 1 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 नहीं होगा, ये 5 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो सम कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आंसर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। आप ये पूछेंगे कि जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर 6 क्यों नहीं लिया, 6 ऑब्वियसली नहीं लेंगे, क्योंकि पावर 6 फर्स्ट टर्म में आ जाएगी, फिर उसके बाद पावर बढ़ेगी ही, ठीक है, तो वो किसी काम की नहीं है टर्म्स, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट टाउ बी एन ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ सी कंटेनिंग यू। यू क्या दिया है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क दी है 1/2 रेडियस की, ठीक है। टाउ डिफाइन किया गया है सेट ऑफ ऑल एनालिटिक फंक्शंस ऑन डिफाइंड ऑन टाउ सॉरी डिफाइंड ऑन ओमेगा सच दैट सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, वेयर जेड एंड डब्ल्यू वेरीज ओवर यू, ठीक है। और दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट क्यू को पहले हम देखते हैं, ठीक है। क्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉची थ्योरम से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, और पी को भी कर सकते हैं, बट पी को हम बाद में देखते हैं, पहले क्यू को देखते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि थर्ड डेरिवेटिव एट 0 इज लेस देन और इक्वल टू 48, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। कॉची थ्योरम का यूज करके हम इसको कर सकते हैं। कॉची थ्योरम का यूज करके अगर हम करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर एंड विद इन, इट, इसके विद इन एंड ऑन दिस सर्कल, ये क्या है, एनालिटिक है एफ ऑफ जेड। एंड मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू एम है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम nth डेरिवेटिव निकालते हैं। nth डेरिवेटिव जो हो जाएगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू एम एन फैक्टोरियल अपॉन आर टू द पावर एन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चले तो इसका यूज करेंगे, यहाँ पे जेड नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम डिस्क ले रहे हैं मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू 1/2। आर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है, और जेड नॉट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और एन एन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हम थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो थर्ड डेरिवेटिव एट 0 शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा एम हमें निकालना है अभी, अभी हमें एम निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, एम निकालना है, क्योंकि आर हमें पता है और एन हमें पता है। चले एम को टारगेट करते हैं, जरा एम को टारगेट करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जरा देखो, यहाँ पे मैं एक नए फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू, इसका सुप्रीमम दिया है, ठीक है, इसका सुप्रीमम दिया है, सुप्रीमम जेड और डब्ल्यू वेरी कर रहे हैं यू से, इसका सुप्रीमम दिया है 1, ठीक है। यहां पे मैं एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं जी को, ठीक है,
इस तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं w को फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, w को फिक्स करके इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन है z का, और जैसे जैसे मैं w की वैल्यू बदलता जाऊंगा मुझे ये अलग अलग फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो ये सेट ऑफ फंक्शन है, ठीक है, जो कि w पे डिपेंड कर रहे हैं। तो w को फिक्स कर दें तो मुझे एक फंक्शन मिलेगा पर्टिकुलर, इस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी फॉर ऑल जेड एंड डब्ल्यू बिलोंग्स टू यू, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहां से मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि मॉड ऑफ दिस फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल जेड एलिमेंट ऑफ यू, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कॉची इनइक्वालिटी को इस पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। एम की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ऑब्वियसली आर की वैल्यू आपकी 1/2 है, और क्या बचा अपना एन, एन आप 3 ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या हो जाएगा, एट 0 जेड नॉट इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू एम एन फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल अपॉन 1/2 की पावर 3, ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, यहां से आपको मिल जाएगा ये कितना मिल जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 48, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आई। अब जरा देखना, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यहां से, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि आपका डब्ल्यू फिक्स है तो एफ ऑफ डब्ल्यू भी फिक्स होगा, ठीक है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जेड। इसी तरह से आप थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे इसका, इसका थर्ड डेरिवेटिव इसी के बराबर होगा, इसके थर्ड डेरिवेटिव के, ठीक है। यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 48, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्यू करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट क्यू करेक्ट हो जाएगा। यही चीज हमें क्या करना है स्टेटमेंट पी के लिए करना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट एफ इन टाउ सच दैट मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जिस तरह से मैंने जी को डिफाइन किया है ना, वैसी मैं उसी तरह से मैं इसका क्या फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 निकालूंगा। निकाल के देखते जरा क्या जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 3 था इसमें, इस केस के लिए एन इज इक्वल टू 3 था, ठीक है, बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा, आर की पावर 1 मिलेगा, और आर क्या है 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एफ डैश ऑफ 0 लिख सकते हो ना, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, हमें ये मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट पी में कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, क्या ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि आप जब अलग अलग फंक्शंस डिफाइन करोगे ना इस तरह से सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो आपको एक फंक्शन ऐसा मिल जाएगा, आपको एक फंक्शन ऐसा मिल जाएगा सच दैट एफ डैश ऑफ 0 के मॉड की वैल्यू 2 के बराबर हो, ऐसा फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस केस में ये स्टेटमेंट पी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका ए, पी इज ट्रू एंड क्यू इज ट्रू और डी आ जाएगा।